इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे आदमी की जिसके दिमाग में हमेशा सेक्स की बातें चलती रहती हैं, और वो एक पोर्न एडिक्ट आदमी है। एक बार इस आदमी के घर में उसकी बहन रहने के लिए आती है। उस आदमी की बहन जब इसके घर में आती है तो इसके साथ क्या क्या होता है, यही हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम ब्रेंडन नाम के एक आदमी को देखते हैं। ब्रेंडन की शादी अभी नहीं हुई है, वो एक बैचलर है और वो न्यूयॉर्क में रहता है। हम देखते हैं ब्रेंडन हमेशा सेक्स की बातें सोचता रहता है। ब्रेंडन के दिमाग में हमेशा गंदी बातें चलती रहती हैं, और अपने इसी सोच के कारण वो कई बार अपने घर में प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को भी बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेंडन अपने घर से ऑफिस जा रहा होता है और वो एक मेट्रो में है। उसी वक्त उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है। ब्रेंडन जब उस लड़की को देखता है तो उसे रहा नहीं जाता है और वो उसे घूरने लगता है। ब्रेंडन के इस तरह घूरने से उस लड़की को अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है वो लड़की ट्रेन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद ब्रेंडन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन ब्रेंडन उसे नहीं ढूंढ पाता है क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी और वो लड़की इसी भीड़ में गायब हो जाती है। इसके बाद ब्रेंडन ऑफिस जाता है। अभी भी ब्रेंडन के दिमाग में वही लड़की छाई हुई थी। इसके बाद वो ऑफिस के बाथरूम में जाता है और मास्टरबेशन करता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि ब्रेंडन का दिमाग किस तरह है, ब्रेंडन कैसा आदमी है और उसके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। यहीं पर हम देखते हैं ब्रेंडन ने अपने ऑफिस के लैपटॉप में भी काफी ज्यादा पोर्न का कलेक्शन रखा हुआ है। ये लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं। ब्रेंडन के बॉस का नाम डेविड है और वो उसका अच्छा दोस्त भी है। अपने काम को खत्म करने के बाद ब्रेंडन और डेविड दोनों क्लब में जाते हैं। यहाँ पर डेविड को एक लड़की पसंद आती है, लेकिन वो लड़की ब्रेंडन को पसंद करती है। जब ब्रेंडन क्लब से निकलता है वो लड़की उसे लिफ्ट देती है। इसके बाद ये दोनों सीसी ब्रेंडन को काफी दिनों से कॉल कर रही थी, लेकिन ब्रेंडन उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ब्रेंडन के घर की चाबी सीसी के पास भी होती है, इसलिए वो सीधे इस घर में अंदर आ जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है सीसी एक सिंगर है और उसे न्यूयॉर्क में एक काम मिला है, जिस वजह से वो ब्रेंडन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इस घर में रहने दे। सीसी के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। सीसी पहले तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली थी, लेकिन अपने ब्रेकअप के बाद अब वो ब्रेंडन के साथ रहने वाली है। जब ब्रेंडन को सीसी के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तब ब्रेंडन उसे इस घर में रहने की इजाज़त दे देता है। अगले ही दिन हम देखते हैं सीसी ब्रेंडन को अपना गाना सुनाने के लिए एक क्लब में इनवाइट करती है। तुम्हारी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है। यहीं पर डेविड सीसी से मिलता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बात करते ही वे डेविड धीरे धीरे उससे फ्लर्ट करने लगता है। डेविड के इन बातों से सीसी भी उससे इंप्रेस हो जाती है। जब डेविड और सीसी को ब्रेंडन देखता है तब उसे ये सब बिल्कुल गलत लगता है। इसके बाद ये तीनों घर जाने लगते हैं, लेकिन सीसी और डेविड एक दूसरे को टैक्सी के अंदर ही किस करने लगते हैं। वो दोनों ब्रेंडन के सामने ही ऐसा कर रहे थे। उन दोनों को देखकर ब्रेंडन को काफी बुरा लगता है और वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद ये तीनों घर पहुंचते हैं, जहां डेविड और सीसी ब्रेंडन के बेडरूम में ही इंटीमेट होते हैं। ब्रेंडन उन दोनों की आवाजों को भी सुनता है। ये सब देखकर और सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि डेविड उसका बॉस है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और बाहर जॉगिंग के लिए चला जाता है। रात को जब वो अपने घर आता है तब अपने बेड की बहुत बुरी हालत देखता है। वो अपने बेडशीट को चेंज करके वहां सो जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी भी ब्रेंडन के बेडरूम में आती है और वो भी उसके साथ सो जाती है, लेकिन ब्रेंडन उससे बहुत गुस्सा होता है और अचानक उठकर वो चिल्लाने लगता है और सीसी को वो अपने रूम से बाहर निकाल देता है। अगले दिन ऑफिस में डेविड ब्रेंडन को अपने कैबिन में बुलाता है। डेविड उससे कहता है, हमें तुम्हारे हार्ड डिस्क में बहुत सारे पोर्न वीडियोस मिले हैं। उसी वक्त डेविड को एक कॉल आता है और ब्रेंडन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ब्रेंडन के ऑफिस में ही एक लड़की का नाम मैरिन है। ब्रेंडन उससे फ्लर्ट करता है। इसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं। ब्रेंडन और उसकी कलीग के बीच में काफी सारी बातें होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है मैरिन का डिवोर्स हुआ है। इसके बाद ब्रेंडन घर आता है और मास्टरबेट करने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वो गलती से बाथरूम के दरवाजे को लॉक करना भूल जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी घर में आती है और वो सीधे बाथरूम में जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त ब्रेंडन अपना काम कर रहा होता है। सीसी ब्रेंडन को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे ऐसा करता देख वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाती है। ये देखकर ब्रेंडन को सीसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीसी पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद गुस्से से ब्रेंडन अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। वहीं बाहर सीसी देखती है ब्रेंडन के लैपटॉप में एक पोर्न साइट खुली हुई है। ये देखकर सीसी समझ जाती है कि ब्रेंडन एक सेक्स एडिक्ट आदमी है। इसके बाद सीसी घर के बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेंडन उदास बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है। अचानक वो उठता है और अपने सारे पोर्न वीडियोज
और उससे रिलेटेड चीजों को डस्टबिन में डाल देता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ वो मरीन को किस करता है और उसे अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन ब्रेंडन मरीन को खुश नहीं कर पाता है क्योंकि ब्रेंडन के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो बहुत डिस्टर्ब था। इसके बाद मरीन वहाँ से चली जाती है। मरीन के वहाँ से जाने के बाद ब्रेंडन एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को वहाँ बुलाता है। इसके बाद ब्रेंडन उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने घर वापस आता है और वो अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है। उसी वक्त सिसी उसके पास आती है। सिसी उसे डेविड के बारे में बताने लगती है। ब्रेंडन यहाँ सिसी को समझाता है और वो कहता है तुम डेविड से दूर रहना। ब्रेंडन सिसी से कहता है डेविड एक सेटल्ड आदमी है और उसकी एक फैमिली भी है। इसके बाद सिसी ब्रेंडन को सॉरी कहती है। लेकिन ब्रेंडन सिसी से बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में कहता है तुम मेरे घर से निकल जाओ। सिसी ब्रेंडन से कहती है तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इसके बाद ब्रेंडन उसे बुरा भला कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेंडन एक बार में है और वो एक लड़के से फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन उसी वक्त वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। लेकिन ब्रेंडन उस लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने ही उससे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद ब्रेंडन उस बार से बाहर आता है। उसी वक्त उसके सामने उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिससे कुछ देर पहले वो फ्लर्ट कर रहा था और वो आदमी ब्रेंडन को बहुत मारता है। इन सब के होने से ब्रेंडन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद वो एक गे क्लब में जाता है और ब्रेंडन एक लड़के के साथ वही सब करता है। उस बार से बाहर आने के बाद ब्रेंडन के पास सिसी का वॉइस मैसेज आता है जिसमें सिसी बहुत रो रही थी और वो ब्रेंडन से माफ़ी मांग रही थी और उसे कॉल बैक करने के लिए कह रही थी। ब्रेंडन उसके कॉल को बार बार इग्नोर कर रहा था। ब्रेंडन सिसी के वॉइस मेल को सुनने के बाद भी उसे इग्नोर करता है। इसके बाद ब्रेंडन एक प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है और वहाँ वो दो लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद ब्रेंडन अपने घर वापस आने लगता है। घर वापस आने के लिए वो मेट्रो लेता है लेकिन ट्रेन अचानक बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद वो ट्रेन से बाहर आता है। पूछने पर उसे पता चलता है आगे किसी ने सुसाइड कर ली है। ये सुनकर उसे अचानक सिसी की बहुत फिक्र होती है। इसके बाद वो सिसी को कॉल लगाने लगता है लेकिन सिसी उसका कॉल नहीं रिसीव करती है। इसके बाद वो दौड़ते हुए अपने घर में आता है। घर आकर वो देखता है सिसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसने अपनी नस काट ली है। नस काटने की वजह से उसका बहुत सारा खून बह चुका है। ब्रेंडन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। सिसी की जान बच जाती है। जब सिसी को होश आता है तब ब्रेंडन उसे देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रेंडन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और रोड में धीरे धीरे चलने लगता है। उसी वक्त वहाँ बारिश होने लगती है। ब्रेंडन बीच रास्ते में ही बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तब उसे ये एहसास होता है वो अपनी ज़िंदगी कितने गलत तरीके से जी रहा था और आखिर में वो अपनी सारी गलतियों को सुधारने का फैसला लेता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं ब्रेंडन अपने ऑफिस जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा हुआ है। उसी ट्रेन के अंदर एक लड़की होती है जो कि ब्रेंडन को घूर रही थी। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की ब्रेंडन से फ्लर्ट कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं ब्रेंडन उस पर ध्यान नहीं देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेंडन अब सुधर चुका है।